आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैंने कई बार नेता प्रतिपक्ष ने और हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप थक चुके हैं, आपका चेहरा उबाऊ हो चुका है, आपके बूते बिहार चलाना आपके बस की बात नहीं है, आपको त्याग पत्र देने चाहिए। भाजपा प्रतिदिन आपके अभाव को मिट्टी में मिला रही है, प्रतिदिन आपको आईना दिखा रही है, सत्ता का मलाई भी चाल रही है। उत्तर भारत का अपने को सबसे मजबूत घटक दल जदयू समझती थी, क्या भाव दिया यूपी में, एक भी सीट नहीं दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरजेडी को अब सीएम नीतीश कुमार की चिंता सता रही है, चिंता इस बात को लेकर कि ना तो यूपी में जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी ने एक भी टिकट दिया और ना ही बिहार में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लागू किए गए कानून पर बीजेपी को भरोसा है। और यही वजह है कि आरजेडी ने अब सीएम नीतीश कुमार को सलाह देते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द से जल्द अपना त्याग पत्र सौंप देना चाहिए। क्या कुछ कहना है आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव का, आखिर किस तरह से उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है, आप खुद उनसे ही सुनिए। एक तरफ दर्जनों लोग जहरीली शराब से मौत के गोले लगाया, वह भी कहां, मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में। दूसरे तरफ इनके घटक दल जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, जीतनराम मांझी जी, उन्होंने कहा है कि जब कृषि कानून वापस हो सकता है तो शराबबंदी कानून वापस क्यों नहीं हो। ये कैसे गठबंधन और कैसी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैंने कई बार नेता प्रतिपक्ष ने और हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप थक चुके हैं, आपका चेहरा उबाऊ हो चुका है, आपके बूते बिहार चलाना आपके बस की बात नहीं है, आपको त्याग पत्र देने चाहिए। भाजपा प्रतिदिन आपकी आभा को मिट्टी में मिला रही है, प्रतिदिन आपको आईना दिखा रही है, सत्ता का मलाई भी चाभ रही है। उत्तर भारत का अपने को सबसे मजबूत घटक दल जदयू समझती थी, क्या भाव दिया यूपी में, एक भी सीट नहीं दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब इससे ज्यादा अपमान किसी घटक दलों को और क्या हो सकता है, उसके बाद भी न जाने कौन सी डर है, किस बात का डर है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी आपको प्रतिदिन अपमानित करती है लेकिन अब सत्ता से बने हैं। कभी सम्राट मौर्य के नाम पर, कभी शराबबंदी के नाम। तो बता दें कि जिस तरह से बिहार के नालंदा जिले में अब तक जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हुई है, इस मुद्दे को भी आरजेडी ने उठाया है। और इतना ही नहीं, कहा यह गया है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठकर मलाई चाटने का काम कर रही है, उसे ना तो सीएम नीतीश कुमार से कोई मतलब है और ना ही सीएम नीतीश कुमार के साथ बीजेपी खड़ी रहती है। और यही वजह है कि इन सब से सबक लेते हुए अब सीएम नीतीश कुमार को अपना त्याग पत्र सौंप देना चाहिए। और इसके साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव के मुद्दे को भी आरजेडी ने उठाया है और ये बता दिया है कि बीजेपी के साथ आखिर हुआ क्या, बीजेपी ने ना तो सीएम नीतीश कुमार को एक भी टिकट दिया और ना ही वो उनके फैसले में अपनी सहमति देती है। ऐसे में अब सीएम नीतीश कुमार को खुद के बारे में सोचना चाहिए, अपनी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द त्याग पत्र सौंप देना चाहिए। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।